नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि राव और आप देख रहे हैं द भारत शो। तो दोस्तों, कुतुब मीनार के समय समय पर विष्णु स्तंभ होने का दावा किया जाता रहा है और समय समय पर हिंदूवादी संगठन इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। और जब आप कुतुब मीनार जाएंगे तो आपको कहीं से भी यह इस्लामिक इमारत नहीं लगेगी। जब आप कुतुब मीनार को ठीक से देखेंगे तो आपको उसके पत्थरों पर मंदिर की घंटियाँ, कमल के फूल और कलश उकरे हुए मिलेंगे। आपको लगेगा कि जैसे किसी हिंदू इमारत पर जबरदस्ती इस्लामिक नाम पोत दिया गया। और कुतुब मीनार परिसर में मौजूद मस्जिद की दीवारों पर साफ साफ हिंदू देवी देवताओं की टूटी हुई मूर्तियां देखी जा सकती हैं। लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद ने कुतुब मीनार में तोड़े गए मंदिरों के पुनर्निर्माण की मांग की है, जिसके बाद से यह मुद्दा काफी गर्मा गया है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर हम उठाते हैं हिंदुओं के तमाम मुद्दे। तो दोस्तों, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल सहित संगठन के अन्य नेताओं ने सरकार से मांग की है कि वो कुतुब मीनार परिसर में 27 मंदिरों का पुनर्निर्माण करे, इसके साथ ही वह हिंदू अनुष्ठानों को फिर से शुरू करने की इजाजत दे। विहिप नेता ने ये मांग शनिवार को कुतुब मीनार परिसर का दौरा करने के बाद की। उन्होंने बताया कि हमने स्मारक के प्रमुख हिस्सों का दौरा किया, जहाँ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों के हालात देखने लायक भी नहीं थे। वीएचपी के प्रवक्ता विनोद बंसल ने एक चैनल से बातचीत के दौरान दावा किया कि कुतुब मीनार किसी विदेशी ने नहीं बनाया, बल्कि यह विष्णु मंदिर का गरुड़ स्तंभ है, जिसे विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। उसी विष्णु मंदिर के साथ साथ 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़कर कुतुब मीनार परिसर में मीनार और मस्जिद बनाई गई थी, जहां के खंभे और दीवारों की मूर्तियां आज भी इस बात की गवाही देती हैं कि यह मंदिर था। वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल ने हिंदुओं की पीड़ा को व्यक्त करते हुए कहा कि कुतुब मीनार परिसर वास्तव में विष्णु स्तंभ था और हिंदू समुदाय को तंग करने के लिए सुपर इम्पोज स्ट्रक्चर बनाया गया था। बंसल ने कहा कि कुतुब मीनार का पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और इस परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाए। विश्व हिंदू परिसर ने सरकार की ओर से मांग न माने जाने पर कोर्ट जाने की चेतावनी भी दी है। वीएसपी के नेता ने कहा कि सरकार और संबंधित एजेंसियां इसे हिंदू समाज को पूजा पाठ के लिए सौंपे, नहीं तो वीएचपी इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। वीएचपी प्रवक्ता से पहले पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय भी कुतुब मीनार परिसर में एक जगह भगवान गणेश की उल्टी प्रतिमा और एक जगह उनकी प्रतिमा को पिंजरे में बंद कर हिंदू भावनाओं को अपमानित करने का आरोप लगा चुके हैं। उन्होंने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक को पत्र लिखकर इन प्रतिमाओं को राष्ट्रीय संग्रहालय में रखवाने की मांग भी की है। हालांकि दोस्तों, आप कुतुब मीनार को लेकर कमेंट में अपनी राय अवश्य रखें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द भारत शो, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी तमाम वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।